बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इंशाइन एचआर। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, सब खैरियत से होंगे। और फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, उसमें मैं एक होम रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ। इंस्टेंट ईद होम रेमेडी कह लें, या फिर इंस्टेंट मिक्सचर, जो कि जल्दी से बन भी जाता है और इसके अलावा जल्दी से ये हमारी स्किन पे ग्लो भी देता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर होम रेमेडी। ये जो मैंने होम रेमेडी बनाई है, इसमें सिर्फ आपको 4 इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, क्योंकि ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स वाली होम रेमेडी नहीं है ये। बिल्कुल कम इसमें इंग्रेडिएंट्स, हनी, मिल्क, एलोवेरा और मस्टर्ड आपको थोड़ी ही मिकदार में चाहिए होंगे। ज़्यादा मिकदार में भी नहीं लेना है, बिल्कुल थोड़ी मिकदार में चाहिए होंगे। और एक एक टीस्पून आप इन चारों इंग्रेडिएंट्स का मिक्स करके इस तरह से मिक्सचर बना लें। हल्दी, एलोवेरा, हनी जिसे शहद भी कहा जाता है, और दूध, इन चारों को इंग्रेडिएंट्स को आपने इस तरीके से मिक्स करके मिक्सचर बना लेना है। मिक्सचर बनाने के बाद ये इस तरह से इतना ये सॉफ्ट बन जाएगा, और फिर आपने इसको अपनी स्किन पे अप्लाई करना है। और ये जो है ये इंस्टेंट रिज़ल्ट देगा आपको। इंस्टेंट जितना ये मिक्सचर बन रहा है उतना ही इंस्टेंट रिज़ल्ट भी देगा ये। ये होम रेमेडी बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि अभी ईद भी आने वाली है, सो पार्लर वाला जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ख़र्चा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये 4 इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हर घर में मौजूद होते हैं। बस आपने ये 4 इंग्रेडिएंट्स लेके और आपने ये रेमेडी, होम रेमेडी बना के और ट्राई करनी है, और मुझे जो है इसका फीडबैक भी कमेंट्स में ज़रूर देना है। सो गाइस, आपने इस तरह से जब अपनी स्किन पे ये अपने मिक्सचर लगाना है, तो आपने इस तरीके से इसका मसाज करना है। सिर्फ 2 से 3 मिनट तक मसाज करें, और उसके बाद इसका रिज़ल्ट आपके सामने होगा। मैं यहीं पे वीडियो बना के और यहीं पे आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी कि इसका कितना इंस्टेंट रिज़ल्ट है। सो ये ईद के लिए भी, जैसे कि ईद आने वाली है उसके लिए भी ये इंस्टेंट होम रेमेडी है, या इंस्टेंट मिक्सचर कह लें। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही जल्दी बनने वाली होम रेमेडी है, और क्योंकि ज़बरदस्त इस तरीके से कि ये असर भी हमें फौरन ही दिखाती है। इस तरीके से जब आप स्किन पे इसको मसाज करेंगे तो ये स्किन पे सही से एब्जॉर्ब हो जाएगी, और एब्जॉर्ब जैसे ही स्किन पे हमारी होगी तो जो है हमारे स्किन के जो पोर्स होते हैं, वो जो खुले हुए पोर्स होते हैं, जब ये उनमें एब्जॉर्ब हो जाएगी तो ये स्किन को जो है वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी, और ये स्किन के पोर्स को बंद कर देगी। इस तरह से आपके पास अगर कॉटन हो, या फिर आपके पास अगर टिश्यू पेपर हो, तो साफ़ कर लें। अब जहाँ मैंने रिंग्स पहनी हुई हैं उन फिंगर्स में, और बाकी हैंड के जो है वो बाकी हाथ पे मेरे, आप देख लें कितना फ़र्क महसूस हो रहा है। सो आपको ज़्यादा इसमें इंग्रेडिएंट्स भी नहीं चाहिए होंगे, सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, जैसा कि हनी है। आप सबको पता होगा हनी कितना फ़ायदेमंद है, और मिल्क है, मस्टर्ड हमारे स्किन के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत फ़ायदेमंद है। और जो मिल्क है वो हमारी स्किन में, अगर हम रेगुलर उसको पीने के लिए यूज़ करें तब भी वो बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा देता है, और उसके अलावा अगर हम स्किन पे उसको यूज़ कर लें वो तब भी बहुत ज़बरदस्त है। और जो एलोवेरा है वो हमारे स्किन के लिए, बालों के लिए हमारे वैसे ही ज़बरदस्त है। सो आई थिंक ये वीडियो मेरी आपको बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना ख्याल रखिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी।